आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम DSSSB के बारे में जानेंगे, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि कैसा आता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सिलेबस और कितने मार्क्स के आते हैं, हम सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं TGT की। TGT का पैटर्न कैसा आता है, इसमें एक टीयर होता है, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, 20, और ये 20 नंबर के भी आते हैं। और इसके बाद आता है रीजनिंग, ये भी 20 नंबर के ही आते हैं। और थर्ड जो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 20 नंबर के ही आते हैं। और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन आता है 20 नंबर के, और इंग्लिश के भी कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर के आते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये 100 नंबर के आते हैं, और जो सेकंड सेक्शन है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs आते हैं। जो हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जैसे TGT में जैसे होम साइंस है, तो होम साइंस के 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 200 क्वेश्चन आते हैं, और वो कितने नंबर के आते हैं, 200 ही मार्क्स के ही आते हैं। और इसके लिए टाइम हमें मिलता है 2 घंटे का, 120 मिनट का टाइम हमें मिलता है। और बात करें हम इसके नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसके 25% नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। अब बात करें PGT की, तो PGT इससे TGT से अलग होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें पहला होता है Tier 1 और सेकंड होता है Tier 2। जब हम Tier 1 में क्लियर कर लेते हैं तभी Tier 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Tier 1 की। Tier 1 सेम PGT के जैसा आता है, बस इसका क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो इसमें Tier 1 में पहले जनरल अवेयरनेस आता है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल है, इंग्लिश और हिंदी, सेम ऐसे ही आता है, 20-20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गए 100। और सेक्शन 2 में आता है सब्जेक्ट। जो हम PGT में सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम होम साइंस से PGT का फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या होगा, उसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, ठीक है। तो ये हो गए 200 नंबर के। अगर इसमें हम क्लियर कर लेते हैं तब हमारा Tier 2 एग्ज़ाम होता है, और Tier 2 एग्ज़ाम में सब्जेक्ट रिलेटेड MCQ आते हैं 200 नंबर के, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। और जो दूसरा होता है उसमें आता है डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर के। तो ये इसमें हमारा, फिर इसके बाद एक मेरिट बनती है, अगर मेरिट में नाम आता है तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कुछ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।